नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचपीएस टीवी। और आपको बता दें, राजा भैया के बोल आरक्षण के खिलाफ दिख रहे हैं। जी हाँ, राजा भैया ने हाल ही में एक रैली में कहा, दलित आईएएस के बेटे को आरक्षण की क्या ज़रूरत। जी हाँ, इसमें राजा भैया बोले, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए आरक्षण, ना कि दलित और जातियों के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए। जी हाँ, पूर्व काबीना मंत्री व कुंडा से निर्दल विधायक कुंवर गुराज प्रताप सिंह, राजा भैया ने कहा कि उनकी पार्टी आरक्षण की हिमायत करती है। आरक्षण समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए, लेकिन दलित आईएएस के बेटे को आरक्षण की क्या ज़रूरत है। सोमवार को मंझनपुर के डायट मैदान में आयोजित जनसत्ता दल की चुनावी रैली में राजा भैया ने कहा कि राजनीति के 25 साल में कौशाम्बी लोकसभा सीट से उन्हीं राजनीतिक दल बनाने की प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में शैलेंद्र कुमार हार गए थे, हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती की हो, जनता ने उन्हें हरा दिया, लेकिन अब वह अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने इस बार चुनाव में लोगों से शैलेंद्र कुमार का बढ़ चढ़कर समर्थन करने की अपील की है। इस दौरान राजा भैया के कार्यकर्ताओं ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया राजा भैया को। और आपको बता दें, सभा को कोऑपरेटिव चेयरमैन केएन ओझा, पूर्व विधायक हाजी मुन्ना आदि ने भी संबोधित किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दलित के आईएएस बेटे को आरक्षण की क्या ज़रूरत है। जी हाँ, क्या जातिगत आरक्षण लोगों को मिलना चाहिए, या उनकी आमदनी और गरीबी के हिसाब से उनको आरक्षण मिलना चाहिए। आखिर जनसत्ता दल क्या चाहती है? क्या जनसत्ता दल अगर कभी भी क्षेत्र में आती है, प्रदेश में अपनी सरकार बनाती है